उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों ने यहाँ पर अपने ज्योतिष से संबंधित, उपाय से संबंधित अपने प्रवचन यहाँ पर किए। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और पेदा अमृतम उसके चेयरमैन अवस्थी जी, इन दोनों के जॉइंट लेक्चर में जो आज ये ज्योतिष सम्मेलन किया जा रहा है, इसके सभी पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित सभी विद्वानगण और जो कुंडली देख रहे हैं और जो मेरे साथ उपस्थित हैं, सभी ज्योतिष बंधु, ज्योतिष एक विज्ञान है। अभी यहाँ पर रावत जी ने जो गुजरात से आए, सतीश जी ने और भी यहाँ पर उन लोगों ने ज्योतिष के उपाय की बात की है। पहले हमें यह समझना होगा कि ज्योतिष काम कैसे करता है। जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि बीमारी कैसे है, तो उपाय कैसे करोगे। एक डॉक्टर को पहले यह पता चलता है कि बीमारी क्या है, और जब बीमारी का पता चलता है तो दवाई ढूंढता है। इसलिए ज्योतिष में सबके लिए सब उपाय काम नहीं करते। हर आदमी को यह ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे ऊपर सभी की सारी शादी चल रही है और मेरे पड़ोसी पर भी चल रही है। जो उपाय वो कर रहा है मैं भी वही करूं, तो हो सकता है आपको नुकसान। आपके पेट में भी दर्द है, पड़ोसी के पेट में भी दर्द है, दोनों एक गोली खा दी गई, तो हो सकता है आपका पेट दर्द और बढ़ जाए। इसलिए ज्योतिष जो है उसी प्रकार का विज्ञान है जिस प्रकार का मेडिकल का साइंस है। मेडिकल की जो डॉक्टरी की पढ़ाई है वो भी ऐसी है। आज मैं आपको उपाय से संबंधित ही जानकारी देने वाला हूं, और जो लोग आप पूछेंगे वो भी मैं जानकारी आपको दूंगा। वैदिक ज्योतिष के अंदर पहले ये जानना जरूरी है कि उपाय की शुरुआत कहां से की जाए। और जब व्यक्ति इस पृथ्वी लोक पर आ गया और आने के बाद अगर वो तकलीफ भोगता है, अपने कर्मों का फल भोगता है, तो क्या उन कर्मों के फलों को उपाय के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। ये भी एक देवज्ञ को मालूम होना चाहिए कि भगवान ने आपको जो जन्म दिया, पिछले कर्मों के आधार पर जन्म दिया, क्या उन जन्मों के कर्मों के फलों को आप चेंज कर सकते हैं। क्या ज्योतिषी कोई चेंज कर सकता है, क्या कोई उपाय चेंज किया जा सकता है, ये सोचना बहुत जरूरी है। अगर ज्योतिषी को ये पता चल जाए कि मैं इसके ऊपर जो ग्रहों की गति का प्रभाव चल रहा है, मैं इसको चेंज कर सकता हूं, तो वो उपाय करने चाहिए और उसी प्रकार के कारगर उपाय करने चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ज्योतिष है ना, ये पिछले जन्मों के कर्म जो आपके इकट्ठे हो रखे होते हैं, वो आपके 9 महीने आपके कर्म के अंदर नाप तोल के साथ आपके शरीर को डेवलप करते हैं, ध्यान कर लेना। यदि आपके दिमाग में अगर ये आ जाए कि तो साधारण कुंडली है, इस पर तो ये ग्रह चल रहा है, मैं नब्बे ला देता हूँ, अभी ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर बेटा, आप शनिदेव की परिक्रमा करके आ जाओ, गोकुला में चले जाओ, शनि सिंगापुर चले जाओ, ठीक हो जाओगे। साइंटिफिक के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आप जब 9 महीने गर्भ में थे, उस समय आपका कर्मों का जो लेखा जोखा था, पिछले कर्म जो आपने किए वो इस जन्म में आपका भाग्य बनता है, और इस जन्म में जो कर्म कर रहे हो वो अगले जन्म में भाग्य बनेगा, ये ध्यान कर लेना। इसलिए ज्योतिष जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसकी वो भाग्य कुंडली होती है,
इसकी किस्मत में क्या लिखा है, ये भूलों में पैदा हुआ है, कालसर्प जो भी पैदा हुआ है, नीचे ग्रह में पैदा हुआ है, साढ़े सात में पैदा हुआ है, माँ पे भारी है, पिता पे भारी है, माँ बाप पे भारी है, क्यों भारी है ये, ऐसे क्या प्रयोग कर दिए थे इसने पिछले दिनों में जिसके कारण ये भारी हो गया, और अगर भारी हो गया तो क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं। यहां से ज्योतिष की शुरुआत हो जाती है उपाय की, ये उपाय तो द्वापर के अंदर भी नहीं थे और ये उपाय त्रेता युग में भी संभव नहीं थे। ग्रहों का प्रकोप पांच तत्व के शरीर पर जब आता है, चाहे भगवान राम हो, चाहे राजा हरिचंद हो, चाहे कोई ऋषि हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे पांडव हो, कोई भी हो, उनके ऊपर आता है। ऋषि पार्षद जिन्होंने होरा शास्त्र जिन्होंने पहले जो पुस्तकों में दिया, ग्रहों का प्रभाव उनको पर भी आया, ग्रहों का प्रभाव देवता जी को पर भी आया, ग्रहों का प्रभाव भीष्म पितामह पर भी आया और पांडव के ऊपर भी आया, भगवान राम के ऊपर भी सभी की मां सरस्वती के जो युद्ध में प्रकट हुए। तो क्या ये उपाय किए जा सकते हैं? इसलिए उपाय दो प्रकार के होते हैं, एक उपाय होता है साध्य और एक होता है असाध्य। अब यहां पर मैं क्योंकि सारे ज्योतिषी उपाय बता रहे हूं, अब इनको तय करना पड़ेगा साध्य है कि असाध्य है। साध्य तो वो है जो ठीक किया जा सकता है और असाध्य वो है जो ठीक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आपने कुछ पिछले दिनों में कर्म ऐसा किया है जो कि असाध्य है। अगर पिछले दिनों में आपने कोई ऐसे कर्म किए और इस जन्म में आप पिछड़ा बन गए, नपुंसक बन गए, किन्नर बन गए, तो कोई ठीक नहीं कर सकता। आप पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर धोखास पैदा हो गए तो फिर आप यहाँ पे नहीं ला सकता। वेदव्यास आपको दंड दृष्टि से दे सकते थे लेकिन आगे नहीं दे सकते थे। इसका मतलब कुंडलियों के अंदर सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि ये कुंडली साध्य रोग की है या असाध्य रोग की है। असाध्य की है तो आप हाथ जोड़ दोगे, ये तो भूलना नहीं पड़ेगा, और अगर साध्य की है तो उसको आप नहीं कर सकते। अब हम बात चलेंगे साध्य की बात पर चलेंगे, अगर वो ठीक किया जा सकता है तो कितने परसेंट ठीक किया जा सकता है। हमारे वैदिक ज्योतिष में छह प्रकार के उपाय हैं, छह प्रकार से हम उन उपायों के माध्यम से कुंडली के अंदर जो दोष होते हैं उनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब ये तो आपको पता है, ज्योतिषी को भी पता है और ज्योतिषी ने आपको बता दिया कि देखिए आपकी कुंडली में तलाक का योग है जिसको रोकना बड़ा मुश्किल है, आपके पति के मृत्यु का योग है इसको रोकना बड़ा मुश्किल है, आपकी कुंडली में विधवा योग है इसको रोकना मुश्किल है, ये असाध्य है। तो क्या असाध्य को साध्य में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो कौन से उपाय है? तो ऐसे उपायों के लिए आपको भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। यानी आपको जब ये पता है, सावित्री की कुंडली में पता है कि विधवा का योग लिखा हुआ है और जब उनकी कुंडली मिलाई गई तो सत्यवान की आयु एक वर्ष, और जब एक वर्ष की अगर आयु है तो कुंडली मिलेगी नाम से, नाम का लंबे रिश्ता आ गया, उन्होंने कहा मुझे तो शादी इसी से कर दी। तो नारद जी ने यज्ञ किया, उन्होंने कहा यज्ञ करो और साथ में कर्म करो, इनके साथ रहिए तो आयु बढ़ सकती है, उनकी ठीक है मैं कर्म करूंगी। यज्ञ हुआ, जैसे कभी मंत्रों की बात हुई, कार्तिक रावण जी ने मंत्रों के बारे में जानकारी दी, मंत्र करने से आप भगवान के साथ लिंक होते हो, भगवान के ऊपर बार बार प्रेशर आता है, उन ग्रहों पर लगातार प्रेशर आता है, अंतरिक्ष के अंदर आप प्रेशर मेंटेन करते हैं, ध्वनि तरंगों के माध्यम से भगवान के पास वो वाइब्रेशन जाती है कि कोई व्यक्ति मुझे याद कर रहा है। और जब आपने संकल्प ले ही लिया कि हे प्रभु मेरी कुंडली के अंदर विधवा योग है,
प्लीज आप इस नेगेटिव डिसीजन को आप वापस लो। मेरे पिछले जन्म में कोई कर्म ऐसा था जिसके कारण मुझे ये तकलीफ हो रही है, मैं चाहती हूँ, मैं माफी चाहती हूँ, मेरे इस कर्म को, मेरे इस दुर्भाग्य को आप ठीक करिए। और फिर लगातार आप मंत्र जाप करते हैं। आपने स्वयं मंत्र जाप किया, भगवान ने नहीं सुनी, फिर तीन ब्राह्मणों के द्वारा किया, फिर भी भगवान ने नहीं सुनी, फिर 11 ब्राह्मणों के साथ आपने किया तो भगवान ने सुनी। क्योंकि एक वाइब्रेशन के अंदर और तीन वाइब्रेशन एक साथ होती है, और फिर 11 वाइब्रेशन जब एक साथ निकलती है तो अंतरिक्ष के अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी काम करती है। उस एनर्जी को योगी देख सकता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा आप जयकारा लगाइए, आपने जयकारा लगाया, शांति हुई, वाइब्रेशन सुनकर तक गई, भगवान तक वाइब्रेशन गई। इसका मतलब अगर कोई असाध्य लोग आपकी कुंडली के अंदर है तो आपको, आप ये ना सोचे कि मैं रोज गोविंद जी के यहां आती हूँ। आप आती हैं, लेकिन जो जिस चीज का एक्सपर्ट होता है ना, ब्राह्मण मंत्रों का एक्सपर्ट होता है, अगर आप उनसे कराते हैं और करने वाले भी ठीक से आपके संकल्प ले लेते हैं, ठीक से संकल्प ले, ठीक से का मतलब यह है कि संकल्प कोई होना चाहिए जो कुंडली के अंदर योग है। मैंने कहा मंगली दोष है और पंडित जी ने संकल्प ले लिया, नगर गति मंगल, चतुर गति मंगल, सप्तम गति मंगल, अष्टम गति मंगल, द्वादश गति मंगल, शांति है तो तुलाम परिषद। अब कहां पर था मंगल ये नहीं पता, पिनपॉइंट किया। मैंने कहा मेरी कुंडली में मंगली दोष है, भगवान मुझे ठीक कर दो। लेकिन आपने कहा भगवान मेरी कुंडली में 12 पाप मंगल है या मेरे कुंडली में 70 पाप मंगल है जिसके कारण मेरा पूरा योग बना हुआ है, प्लीज आप इसको ठीक करिए। तो भगवान इस बात को सुनता है, भगवान निर्दयी नहीं है। आज आपको ये पता चल गया मेरी कुंडली के अंदर दुर्वा योग है और मैं यज्ञ करती हूँ, मैं हवन करती हूँ, मैं पूजा पाठ करती हूँ, तो भगवान सुनेगा। इसका मतलब यह रहा कि आप पूजा पाठ खुद करते हो, वो वाइब्रेशंस अंतरिक्ष में जाती है। आप जितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ते हो, 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ा तो 108 बार आपकी वाइब्रेशन अंतरिक्ष में जाती है। और एक बार अगर ओम बोलते हो ना, ओम, ये ओम जितनी देर में बोला पृथ्वी के चारों पांच चक्कर लगा लेता है, इतनी जबरदस्त पावर होती है हमारी साउंड वेव्स के अंदर। और आप लगातार जब 108 बार बोलते हो तो इसका मतलब आपने अपने चारों में घेरा बना लिया। आपके ऊपर कोई बुरा ग्रह चल रहा है, जैसे कभी हमारे दीपक जी ने कहा कि प्राणायाम से, क्या योगा से, क्या साधना से आप इन ग्रहों की गति को ठीक कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अभी मेरी बात उनसे हो रही है सतीश जी से, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। अब मैं वो उदाहरण आपको दूसरा दूंगा कि आप कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको डिप्रेशन रहता है, चंद्रमा राहु की इतनी छठे आपके बाल बाल में है आपकी, और आपको डिप्रेशन रहता है। अब डिप्रेशन तब रहता है जब आपकी बॉडी के अंदर जल तत्व डिस्टर्ब होता रहता है। हमारे शरीर में जल तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, वायु तत्व भी है, अंतरिक्ष के अंदर तत्व है। अगर उनमें कोई भी तत्व बैलेंस होगा, अनबैलेंस हो जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर वो तत्व जाना शुरू होती है, और हम योगा और प्राणायाम के माध्यम से उस तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। अगर उस तत्व को बैलेंस कर लिया और वो तत्व जिस ग्रह के साथ कोरिलेट है, मान लो आपकी बॉडी के अंदर वायु तत्व डिस्टर्ब हो रखा है, वायु तत्व शरीर को प्रभावित करता है, आपके शरीर के अंदर अपनी बॉडी के अंदर प्राणायाम के माध्यम से, योगा के माध्यम से, साधना के माध्यम से अगर वायु तत्व को कंट्रोल कर लिया, ऊपर से शरीर जितना मर्जी आपको तकलीफ देने की कोशिश करे, आपकी बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन करना पड़ेगा। मान लो आपके पास है
आपके बॉडी के अंदर अभी तक बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से आपको गैस ऐसे अपचन्स वगैरह 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 हो रही है, ठंडी ठंडी नकारे आ रही, तकलीफें हो रही है आपको, आपकी बॉडी हीट रहती है। इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन के अंदर आपको प्राणायाम करते हुए आपको अपनी सूर्य नाड़ी को रोकना होगा, और सूर्य नाड़ी को रोकने के बाद आप चंद्र नाड़ी को शुरू कर दीजिए। चंद्र नाड़ी को ज्यादा शुरू करेंगे तो आपके अंदर शीतलता बढ़ेगी, शीतलता बढ़ेगी तो आपके अंदर अग्नि तत्व बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर वात का तत्व ज्यादा बढ़ गया है तो आप अपने चंद्र नाड़ी को रोक दीजिए, सूर्य नाड़ी को शुरू कर दीजिए तो आपकी बॉडी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी, और ऊपर से जो ग्रह आपको प्रभाव डाल रहा था वो ग्रह टूट जाएगा। इसका मतलब ये रहा कि जो हमारे ग्रह है वो तत्वों के साथ भी कोरिलेट होते हैं। जब वो ग्रह अपनी बात सामने हमारे शरीर को प्रभाव डालता है तो वही तत्व बढ़ना शुरू हो जाता है। मानव शरीर की सारे साल बढ़ेगी तो नर्वस सिस्टम खराब होगा, नर्वस सिस्टम खराब होगा शरीर जिन चीजों को प्रभावित करेगा करेगा। अब मान लो आपने उसको रोकना है तो आप इस प्रकार से रोक सकते हैं। अब बात आती है दान की, दान से भी ठीक होता है। आपने कहा कि दान करो दान से ठीक हो जाएगा, लेकिन दान वाकू दीजिए चाकू दान सुहाय। दान उसी को दीजिए जो दान को बचा सकता है और दान के महत्व को जानता है। आप ये मत सोचिए कि मंदिर के बाहर जाकर के आप भिखारियों को दान दे दो, आप पुष्ट आश्रम में दान दे दो, आप अंधों को दान दे दो, आप दूसरी जगह का दान दे दो, भिखारियों को दान दे दो, और आपने सोचा मेरा दान सही जगह पर चला गया, मेरा बॉडी के अंदर लाभ मिलेगा, लेकिन दान देते ही आपको तकलीफ और बढ़ गई, आपको टेंशन हो जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, दान देने के बाद मैं बेचैन हो रहा हूं। इस सिद्धांत को भी मैं आपको समझाऊंगा। दान देने से आपको दुआ मिलती है और वो दुआ आपके एनर्जी लेवल को हाई करती है। ध्यान से सुनना, अगर आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति चल रही है, कुंडली वीक चल रही है, ग्रह की गति खराब चल रही है, और आप ऐसे लोगों को दान देते हो और वो दान से आपको दुआ देते हैं, वो दुआ एट रैंडम आपके और आपके अंदर इनपुट करती है और आपको पॉजिटिव करना शुरू कर देती है। अभी मान लो आपने सोचा कि मैं राहुल जी को दान देती हूँ, मेरा राहुल जी को दान की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आपने सोचा चलो यार एक जैकेट ले लेती हूँ, ये जूते दान कर दिए मुझे, या मुझे कोई एक स्वेटर दान कर दिया। दान तो आपने ये सोच के किया है चलो दे देते हैं गुरु जी को, और यही स्वेटर आप एक गरीब को दे दो, ठीक है, और एक ऐसे व्यक्ति को दे दो जो लेकर के बेच दे, तीनों में फर्क है। मुझे आपने स्वेटर दान दिया, मैं जब उसको पहनूंगा पहनते मैं बोलूंगा रे बाप कार्तिक प्रावल तेरा भला हो कि तुमने मुझे स्वेटर दिया। जब जब ये स्वेटर मेरी आंखों के सामने आएगा उस समय एट रैंडम मेरे दिल में मन और आत्मा एकाग्र होकर के आपके पास आएंगे कि बड़ा अच्छा आदमी मैडम, बड़ी अच्छी थी, कितनी शानदार जैकेट लेके गई, यही भगवान का भला किया, मेरे दिल से भी ये निकलेगा। अभी मान लो आपने गरीब को दिया, बहुत गरीब को दिया, नीडी को दिया, वो उसको रोज उड़ेगा ठंड से तो वो भी आपको दुआ देगा, लेकिन आपने ऐसे व्यक्ति को दान दे दिया सोचा रहे ये तो बड़ा बेकार सा है, मैं इसको क्या दे दूंगा, चलो इसको आगे मैं किसी और को दे देता हूं, उस दान का कोई फायदा नहीं है। इसलिए पहले ब्राह्मण को दान दिया जाता था, जो ब्राह्मण रहेगा दूध पीता था, उनके बच्चे दूध पीते थे, उनके बच्चे दूध पीते थे और वो दुआ देते थे, हे भगवान इस गाय की जो खीर खाई है
इस प्यार की खीर जो खाई है उस खीर का आनंद आ गया, इस यजमान को अच्छा होना चाहिए। आपने जो भी दान दिया, ब्राह्मण को जो भी दी, कुत्ता दिया, जो भी खाने को दिया, उस ब्राह्मण के अंदर वो शक्ति होती थी जो आपको आशीर्वाद और दुआ देता था और सुनता था। इसलिए दान उसको देना चाहिए। आप भी ऐसी जगह पे दान दे देते, दो मिनट प्रसन्न, ऐसी जगह पे दान मत दे देना कि मैं अपने ऑफिस में बैठा था, एक बार नागपंचमी का दिन था, सपेरा आया, बाबूजी नागपंचमी है 10 रुपए दे दो दूध के लिए। मैंने कहा ये 10 रुपए, मैंने 10 रुपए दे दिए। वो लेके चला गया, मांगने वाला भूल जाता है इसे लिया था कि नहीं लिया था, देने वाले को याद रहता कि उसको दिया था। शाम को मदनलाल पुराना मुख्यमंत्री जी का एक भाषण चल रहा था चौराहे पे, और उस चौराहे का माइक सुचारू नहीं कर रहा था, और सामने देसी शराब का ठेला था। उधर से उसमें जो मेरे से 10 रुपए लेके गया था और लोगों से भी लिए, उसने दो आधी आधी बोतल उसमें डाल लिए अपनी थैली में, और फिर रोजा मांगना शुरू हो गया। प्रोग्राम खत्म करने के बाद ऑफिस में आया, फिर आगे बाबू जी नागपंचमी है, मांगता हुआ गया आपसे लेके गया पूरी मार्केट में इधर से मांगा, इसके लिए दो चीजें के होता और एक हुआ मुर्गा उसको चढ़ाऊंगा, और जो बातचीत में आ रहा है उसको पूरा बताऊंगा। इसका मतलब आप कहीं ऐसे व्यक्ति को दान मत दे देना जो आपके पैसे से शराब पिए और साथ में मुर्गा को कटवाए, तो पाप आपके खाते में जा सकता है। ये दान रखें। अब ये किस्त हुई और है वो बाद में बताऊंगा, तो समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद श्री एच एस रावत जी का।